कितना व्यक्ति विजय करोगे तो ये है दोस्तों, अभी हम देखेंगे जो गेहूँ की जो वैरायटी है धान के एरिए के लिए, जो साहब डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि कौन सी अच्छी है जो धान के लिए वैरायटी है, धान वाली जमीनों के लिए, तो ये वैरायटी रेट है DPW 303 है, जो वो 1273 ये धान के लिए सबसे बेस्ट वैरायटी है। ये DPW 188 सर रेतली जमीनों के लिए, रेतीली मिट्टी के लिए, रेतीली मिट्टी के लिए तो आपको कॉटन कॉटन जिसके अंदर कॉटन लगता है, पानी की है सुविधा। हाँ हाँ स्प्रिंकलर स्प्रिंकलर 1105 जो जहाँ पे स्प्रिंकलर की खेती होती है और किस जमीनों के लिए 1105 है ये 303 की क्या पैदावार है 1100 ये बाहर ट्रांसपेरेंट इसलिए डब्बे में डाल के ताकि बाहर से ही दिख जाए, ये कोई ऊंचा नहीं इस तोड़ा ला रखा जिसमें मोटे दाने दिख रहे हैं। अच्छा 303 ये जो बड़े दाने की क्वालिटी है, ये नई वैरायटी है WH 1270। फिलहाल तो इतनी बतेरी है, बाकी देखा गया अगले साल कोई आगे। ये जो कि जो वैरायटी है BH 855 यूनिवर्सिटी की जो की सबसे BH 940 और BH 902 BH 393 ये जो यहाँ की मिट्टी के आधार पर निर्धारित की गई है बाकी सभी एरियो के। साथियों बाजरे की जो वैरायटी है किसान साथियों, जो शंकर बाजरा है HHB 197 उत्पन्न पैदावार है, तो इसकी 14 क्विंटल बहुत अच्छी जो वैरायटी है, बहुत जो बड़ा बाजरा है मोटा बाजरा है, ये है HHB 234 शंकर बाजरा है। बाजरा की ये टोटली इसके अंदर विवरण किया गया है जो आप पढ़ सकते हैं। तो कायदा इसका प्रैक्टिकली जो दिखाया गया है अपने को, जो HC 20 है ये शुगर कैन की जो गन्ने की वैरायटी है CO 15 023 CO 160 CO 13 263, काफ़ी जो शानदार वैरायटी है ये मक्के की HQPM 1 HQPM 4 HQPM 4 5 मक्का कौन सा वाला HM 11 प्रोटीन वाला है, ये चने की जो वैरायटीज हैं हरियाणा काबली नंबर 1 जो काबली नंबर 2 है हरियाणा, हरियाणा चना नंबर 1 है। टोटली जो इनके अंदर विवरण है वो किया गया है, ये मस्टर्ड की वैरायटी है HH 0401 RH 20 RH 98 01, बहुत ही शानदार जो वैरायटी है, काफ़ी बड़ा जो इसका दाना है RH 0749।
सब इसमें भारी जमीनों के लिए कौन सी वैरायटी है जो भारी जमीनों के लिए? भारी जमीनों के लिए नई वैरायटी कैसी हमारी ऑलराउंडर है RS 725। ये सभी जमीनों के लिए ऑलराउंडर वैरायटी है सर। इसमें अगर ऑयल वगैरह की मात्रा की बात की जाए तो ऑयल 39 से 40% ऑयल है। 39 से 40%, ठीक है सर। RH 725।